पिछले 10 दिनों से स्वामी प्रसाद के बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिन बीतने के साथ साथ बयानों की तलखी भी बढ़ती चली जा रही है और इन सबके बीच स्वामी प्रसाद अपने बयान पर अब भी कायम। भारी विरोध के बाद भी रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्टैंड पर कायम है। रविवार को पवित्र ग्रंथ की प्रतियां चलाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस FIR को ही गलत बता रहे हैं। सम्मान की बात करना अपराध नहीं है, किसी अपराधी टिप्पणी को निकालने की मांग करना ये भी अपराध नहीं है। रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसी अंदाज में हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने भी उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया है। इनको अपने तप और पूजा पर भरोसा है, इनको अयोध्या में बैठे बैठे मिर्च को साथ देना चाहिए। कहा कि 21 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है उनका 21 लाख रुपया ही बच जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिवों में एक भी सवर्ण नेता को शामिल न किए जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 का हवाला देते हुए BJP पर हमला बोला। में चुनाव हुआ, भाजपा सरकार आई, 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास को यही भाजपा के लोगों ने गंगा जल से धुलवाया। क्यों? इसलिए कि अखिलेश यादव शूद्र समाज के अहिर जात में पैदा। अब सवाल यह है कि क्या कोई सियासी प्लान के तहत सपा के स्वामी ताबड़तोड़ बयानों की बरसात कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित मानस को लेकर बयान पर मचे सियासी घमासान में अब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर रामचरित मानस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सपा को भी घेरा और एक दूसरे को पूरक बताया। उन्होंने कहा कि रामचरित मानस की आड़ में सपा का भी वही राजनीतिक रंग रूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हमलावर BJP नेता केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी को RSS की क्लास लेने की नसीहत दे डाली। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को राम विरोधी और धर्म विरोधी बताया है। अधर्मी लोगों के लिए पार्टी बनी है कि जो इस तरीके की बयानबाजी दे, और उसका मैंने बता दिया कि आज के दिन में जनता जान चुकी है कौन क्या है और क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए जनता इन लोगों से दूर है और हम लोगों के साथ है। इधर BJP के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के स्टैंड पर तल्ख टिप्पणी की है। देखिए अखिलेश जी गलत लाइन पे जा रहे हैं। तल्ख बयानों से जाहिर है कि सियासी बवाल अभी और बढ़ेगा। लखनऊ में बिल्डिंग हादसे को लेकर कमिश्नर रोशन जैकब आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और 7 दिनों के बाद इस घटना में सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। मंगलवार को लखनऊ में बिल्डिंग हादसे के बाद योगी सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जिसे हफ्ते भर में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। हफ्ते भर में 6 दिन बीत चुके हैं। इस बीच जांच कमेटी में शामिल विशेषज्ञ इंजीनियर ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये है कि बेसमेंट में खुदाई की वजह से अलाई अपार्टमेंट ढहा था। भारी भरकम ड्रिल मशीनों से बेसमेंट की खुदाई हो रही थी। स्टील पर फ्लोर मशीनों से काटने के चलते बिल्डिंग में कंपन हुआ। विशेषज्ञ इंजीनियर्स का सहयोग नहीं लिया गया था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे। इधर बिल्डिंग हादसे की जांच के लिए गठित समिति के सदस्य मंगलवार को प्रभावित परिवार का बयान दर्ज करेंगे। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में गठित समिति प्रभावित परिवारों का पक्ष सुनेगी। घटनास्थल पर जाकर जांच टीम ने सैंपल भी लिए हैं, जिसके आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि घटना की असल वजह क्या है। LDA भी 2009 से पूरी पत्रावली निकाल कर जांच समिति के सामने प्रस्तुत करेगी, जिसके जरिए देखा जाएगा कि किस तारीख को नक्शा अस्वीकृत हुआ, किस समय कंपाउंडिंग आवेदन रिजेक्ट किया गया और किस समय बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे। आगे से कोई ऐसी घटना न हो, इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर LDA बोर्ड की बैठक में रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।